एमपी बीजेपी घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक हुई। समिति के अध्यक्ष जयंत मलैया ने बैठक ली। भोपाल बीजेपी कार्यालय में हुई ये मीटिंग, बैठक में समिति के सदस्य मौजूद रहे। बैठक से निकलकर बोले मंत्री कमल पटेल, अपराधियों की बीजेपी में कोई जगह नहीं है, सबको बीजेपी में जोड़ा जाएगा लेकिन आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को जगह नहीं मिलेगी। बैठक से निकलकर बोले नरोत्तम मिश्रा, कई लोग बीजेपी के संपर्क में हैं। नरोत्तम मिश्रा की तरफ से ये बड़ी बात कही गई। बैठक से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा की तरफ से बड़ी बात कही गई। उन्होंने कहा कि कई लोग बीजेपी के संपर्क में हैं जो बीजेपी के साथ आना चाहते हैं और बहुत जल्द उन लोगों की तरफ से बीजेपी की सदस्यता ली जाएगी। क्या कमल पटेल ने कहा वो भी आप जानिए। उन्होंने कहा कि अपराधियों की बीजेपी में कोई जगह नहीं है, जो भी बीजेपी के साथ जुड़ना चाहता है सभी का स्वागत है, सभी को पार्टी में जगह दी जाएगी लेकिन अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। पर चुनाव लड़ेगी, विकास विकास और विकास, और हमारे नेता अच्छे, हमारी नीति अच्छी और हमारी नीयत अच्छी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और प्रचंड बहुमत से कमल खिलेगा। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं आशा भरी नजर से और लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इसलिए ज्वाइन कराएंगे। शामिल किया जाएगा, उनकी कुंडली उंडली देखी जाएगी। नहीं नहीं, आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को भाजपा में कोई जगह ही नहीं है। जो देश के लिए काम करना चाहता है, समाज के लिए काम करना चाहता है, प्रदेश के विकास में काम करना चाहता है, उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करेंगे। बीजेपी में एंट्री के पहले ऐसी स्क्रीनिंग की, उसमें कांग्रेस के भी हो सकते हैं, दूसरी पार्टी के भी हो सकते हैं, आईएएस आईपीएस भी हो सकते हैं, जो भी समाज सेवा करना चाहता है, देश सेवा करना चाहता है, वो सबको शामिल भारतीय जनता पार्टी में हम करेंगे। लाल जी भूरिया पहले भी अध्यक्ष रहे थे और भूरिया जी को पहले अध्यक्ष था और जब सरकार बनने पे आई तो भूरिया जी को दरकिनार कर दिया। ये कांग्रेस का मुखौटा है। आप देखें सुभान सिंह सोलंकी जी का, उनके साथ भी ऐसा ही किया। जम्मानी जमुना देवी जी के साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया। वोट लेने के लिए कोई भी जनजाति का चेहरा, आदिवासी का चेहरा आगे कर देते हैं और जैसे ही सरकार बनती है उनकी उपेक्षा कर देते हैं। ये उनका चेहरा है। मैंने कहा ना कि भूरिया जी पहले अध्यक्ष थे लेकिन सरकार बनी तो मंत्री नहीं बनाया, उपचुनाव में ये कह के वोट मांग लिए उनको आगे करके।